बेगूसराय शहर में रविवार सुबह सुबह नगर थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर डकैती हो गई। 6 नकाब पहने हथियार से लैस अपराधियों ने आभूषण और कपड़ा व्यवसाय के घर पर डाका डाला, जिसमें करीब 50 लाख रुपए संपत्ति की लूट की बात कही जा रही है। घटना रतनपुर ओपी क्षेत्र के हीरालाल चौक स्थित मियाचक वार्ड संख्या 34 की बताई जा रही है। डकैती का विरोध करने पर डकैतों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर उनके मुंह पर टेप चिपका दिया और उनके साथ मारपीट भी की। वहीं एक युवक को चाकू गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान कपिलेश्वर मंडल के पुत्र राजीव रंजन मंडल के रूप में की गई है। वहीं मारपीट के कारण परिवार के सदस्य कपिलेश्वर मंडल, संध्या मंडल, शांति मंडल, कुमारी अनीता समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ितों ने बताया कि सुबह अचानक 6 लोग हथियार के साथ घर में घुस गए। सभी ने अपने चेहरे को ढक रखा था। बदमाशों ने घर में घुसते ही सबसे पहले परिवार के सभी लोगों के मुंह पर टेप चिपकाकर बंद कर दिया। इसके बाद सभी रूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तिजोरी का ताला तोड़कर सामान निकालने लगा। जब इसका विरोध किया गया तो पहले पिस्टल के बट से पीटा गया। जब राजीव रंजन मंडल ने ज्यादा शोर मचाया तो उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। 1 घंटे तक दहशत का माहौल बना रहा। राजीव को घायल कर अपराधियों ने धमकाया कि अगर कोई भी आगे विरोध करोगे तो घर के सभी बच्चों की हत्या कर देंगे। इस डर से परिवार के सभी सदस्य चुप बैठ गए और वह सामान लूटकर फरार हो गया। जब अपराधी सभी सामान लूटकर चले गए तो पीड़ित परिजनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने के बाद आसपास के लोग दौड़कर देखने के लिए आए। घायल अवस्था में राजीव रंजन मंडल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जांच के लिए पुलिस पहुंची। पीड़ितों ने फिलहाल इस डकैती में तकरीबन 50 लाख से अधिक की संपत्ति लूटे जाने की बात कही। रतनपुर ओपी अध्यक्ष सुधा कुमारी ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे 6 अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल घटना सदर स्थल पर सदर DSP अमित कुमार नगर पहुंचकर मामले की जांच कर रही थी। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट। सुबह 6:35 पे कुछ 6 लोगों के द्वारा कपिलेश्वर मंडल जी के यहाँ प्रवेश किया जाता है और घर के लोगों को बंधक बना करके उनके यहाँ जो से सोना चांदी का व्यापार करते हैं, सोना चांदी को लेकर जाने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही हम लोग आए और अभी CCTV और जितनी भी जानकारियाँ मिली वो पर्याप्त सबूत है इस केस के उद्भेदन के। और कपिलेश्वर मंडल जी से हम लोगों ने पूछा कि वो तो कितने का सामान लेके लोग गए, तो प्रारंभिक सूचना के हिसाब से कपिलेश्वर जी के द्वारा बताया गया है कि 15 लाख के करीब का सामान, जो चांदी का सामान है, वो लेकर के भागा गया। हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम निवेदन करेंगे। घायल भी है? हाँ, उनका लड़का है राजीव। एक्चुअली बिजनेस जो है सोना चांदी का उनके लड़के के द्वारा ही किया जा रहा है। उनके लड़के को जांघ चाकू से मारा गया और वो पटना रेफर हुए हैं।